रामपुर थाना क्षेत्र के पट्टी जमालापुर गांव निवासी सौरव सिंह 30 वर्ष पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह सोमवार की रात किसी वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए कार से जा रहे थे कि रामदयालगंज पुल के पास बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई गोलियां दाग दी, जिसमें उन्हें 2 गोली पेट में लगी और वह गाड़ी में ही लहूलुहान होकर गिर पड़े। उसके बाद बदमाश बड़े आराम से फरार हो गए। गोली मारने की सूचना लाइन बाजार पुलिस को हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सौरव को उठाकर जिला अस्पताल ले गए, जहां उनकी हालत चिंताजनक होने पर वाराणसी के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी नगर नूपेंद्र कुमार ने बताया कि घटना लाइन बाजार थाना क्षेत्र के रामदयालगंज बाजार की है, जिसमें 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी। इसको लेकर मारपीट और गोली चलने की बात प्रकाश में आई है, जिसमें एक व्यक्ति सौरव सिंह घायल है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया, वहां से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, आगे कार्रवाई भी की जा रही है। तहरीर मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर से मनीष कुमार की खास रिपोर्ट, मेट्रो भारत। ये घटना थाना लाइन बाजार के रामदयालगंज की है, जिसमें 2 बच्चों के बीच रंजिश थी। उस रंजिश में मारपीट और गोली मारने की बात प्रकाश में आई है। मौत मामले में सौरव सिंह को गोली लगी है, जो घायल है उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है, वहाँ से ट्रामा सेंटर रेफर हो गया है। उपरोक्त मामले हमारे थाने टीम ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर मिलते ही आवश्यक